सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास ट्वेल्थ का जो सबसे इजीएस्ट हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इस पर बात कर रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट पे एक मिथ है ना हमारा, कि हमने सोच रखा है कि केमिस्ट्री में, हमने सुना है एक्चुअली लोगों के मुंह से, ठीक है ना, जबकि इतना टफ कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे टफ है क्या? अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीबी के हैं, आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, और केमिस्ट्री फैक्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन भी यहाँ पर अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री के बराबर इजी पेपर कुछ हो ही नहीं सकता, जो क्योंकि औरों में तो रैंडमनेस रह सकती है, क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ्स में क्या है कि एक फॉर्मूले पर आपके हजार तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिजिक्स में भी ऐसा हो सकता है। केमिस्ट्री फैक्ट्स का सब्जेक्ट है, आपके फैक्ट देखे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल एज इट इज जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूं। तो मैं पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए कि किस तरह से हमें काम करना है उस पर, और मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बता देता हूं हमारे पास है क्या क्या करने को। वैसे तो आप सभी अब जानते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा, आप सभी ने आपको पता ही होगा लेसन के बारे में, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात ताकि शुरू कर सकूं उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं। उसमें यह कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी केमिस्ट्री डिवाइडेड है 16, इसमें लेसन या फिर आप 16 यूनिट इन्हें कह सकते हैं, 16 यूनिट हमें गिवन है, ठीक है। इन 16 यूनिट्स में से हमारे 70 मार्क्स का पेपर बनता है, उसमें से आप इन चीज़ों को आप एक कुछ आपके पास पेन कॉपी हो तो उन्हें हो सके तो नोट भी करते रहना, ध्यान से समझ समझ कर बातों को, ठीक है, तभी हम बात कर पाएंगे जब हमें सिचुएशंस पूरी पता हो ना कि कहाँ से क्या बन रहा है, कहाँ से क्या नहीं बन रहा। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन सेक्शन में केमिस्ट्री डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री में से आपके 23 मार्क्स का आता है पेपर में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 19 मार्क्स का आता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेजर पार्ट है, इसमें से 28 मार्क्स का आपका पेपर में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इतने मार्क्स के आते हैं, इंडिविजुअली नहीं पता आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस लेसन में से कितने मार्क्स का आएगा, एक हल्का फुल्का अंदाजा लगा सकते हैं हम प्रीवियस ईयर को देखकर, लेकिन इतना तय है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 28 का आएगा, इनऑर्गेनिक में से 19 का आएगा, और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में से 23 मार्क्स का आएगा, ये डैम श्योर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स का इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ लेसन्स भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर 7 लेसन्स, आई थिंक वहाँ पर 7 लेसन्स आपको चैप्टर्स हमारे पास हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए वहाँ से पार्ट भी बढ़ जाता है मार्क्स का, नंबरों का, ठीक है ना। अब मैं वन बाय वन थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ, जरा समझते हुए चलना, फाइनली मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर को आपको कब प्रिपेयर कैसे कैसे करना है। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास अभी ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हैं, तो 10 डेज में तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये स्ट्रेटेजी देखा जाए तो 7 डेज तक फॉलो करेगी, ठीक है ना। 7 डेज तक अगर आप किसको करते हैं तो ये अपना वर्क करेगी, लिटरली फॉलो होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो 7 डेज में हो सकता है। अब देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, अब होने के लिए तो क्या है, आपको YouTube में आप सर्च करेंगे, आपको लास्ट वन डे के लिए भी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि लास्ट वन डे में आप एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि लास्ट वन डे में हो तो जाएगा काम, लेकिन फिर आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो साल भर में नहीं कर पाते वो नहीं कर पाएंगे। अभी का ऐसा काम है कि अगर आप करने पर आओगे तो कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा कुछ दो कदम अपनी पोटेंशियल से ऊपर उठकर काम करते हो तो अभी काम हो सकता है, फिर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। रुकना मत, कहीं इंतजार मत करना आखिरी डे के वीडियो का, कि आप सोच रहे हैं कि आखिरी डे में वीडियो आएगा, ऐसा इंतजार मत करना, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 5 चैप्टर्स हमारे पास हैं, 5 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में है। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट इस बार तो आएगा आपके उसमें, ये 11th में भी आ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, और आपके पास ये जो केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और फिर सरफेस केमिस्ट्री है आखिरी चैप्टर इसका, सरफेस केमिस्ट्री तक, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट, और ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं पहले तो वो FCC, BCC और ये सिंपल क्यूबिक, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी नहीं आपको होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, किसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है याद ही रखना, और निकालना भी, डिराइव करना भी आना चाहिए, बहुत मुश्किल डेरिवेशन नहीं है उसका, बहुत मामूली सा डेरिवेशन है, वो तीनों आपको आनी चाहिए। FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मेजर पार्ट यहाँ पर यही है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए, क्योंकि यही इसका बेसिक्स है इसके, और बेसिक्स में ये लेसन खत्म हो जाता है। फिर थोड़ा डेंसिटी पर, इस पर एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला होता है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री जानी जाती है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, तो अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनता है तो वो डेंसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकता है, और पूछा जा सकता है कि आपको पैकिंग फ्रैक्शन आप सबका निकालिए, आपको सिचुएशंस दी जा सकती हैं, ठीक है ना। और किसी पर हो सकता है वो अल्फा बीटा गामा या फिर उनकी साइट्स के बीच में रिलेशन पूछ दिया जाए आपको दे करके, ट्राई क्लिनिक है बताइए क्या हो सकता है इसमें, वो 7 फॉर्म्स है ना हमारे पास सॉलिड स्टेट की। तो इतना ही काम पहले चैप्टर से हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये एनालिसिस इतने इसको चैप्टर को बोला जा सकता है, हर चैप्टर में हर बातें नहीं बताई जा सकती क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत ब्रॉड है आगे वाले, ठीक है ना, सब कुछ नहीं बोला जा सकता, इस चैप्टर में इतना ही सफिशिएंट है, इतना बोला जा सकता था। दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा तो ध्यान रखना, वो कर लेना सॉलिड स्टेट का, क्योंकि 5 चैप्टर्स आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में गिवन है, उनमें से एक चैप्टर ये है और इन्हीं 5 चैप्टर में से 23 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद सॉल्यूशन आपका चैप्टर आता है, मैं रफली अभी बात कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा आपको करना क्या है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ बात को, क्योंकि सिलेबस के बारे में थोड़ा पता चल जाए तो हम काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो आपके पास चैप्टर है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में जितनी इसके थियोरेटिकल पार्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, तरीके से समझोगे तो सब काम हो जाएगा। अरे ये बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला, ये आपकी 12th के बाद भी आगे आके भी ये टॉपिक यूज़ होता है यही वाला, इसमें राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, इन पर एप्लीकेशन और इसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना उन क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन देखने पर समझ में आ जाते हैं, एक बार कर ट्राई करना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से जो आपका मूल कॉन्सेप्ट भी शायद यहाँ पर लगता है, या मुझे ऐसा श्योर नहीं हूँ, लेकिन राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके पास होते हैं, ठीक है ना, वो जरूर देख लेना। समझ में आ रही है आपको बात, ये जरूर देख लेना क्योंकि इस पर ही बेस्ड है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा उसमें इसका इंटरफेयर जरूर है, इस लेसन के न्यूमेरिकल पार्ट का भी, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। इसकी आप सारी बातें इसकी यहाँ नहीं की जा सकती, इसलिए बोल दिया कि ये न्यूमेरिकल बिहाफ पर, न्यूमेरिकल पर्पज पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और छोटे मोटे जो लॉज होते हैं, राउल्ट का लॉ स्टेटमेंट क्या है, हेनरीज लॉ स्टेटमेंट क्या है, और भी बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारी बातें, मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी, बहुत सारी बातें हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो इसकी हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी पर बेस्ड ये लेसन है, ठीक है ना। असल में आपको ना लेसन के सेंट्रल आइडिया को पकड़ लेना है, अगर आपको लेसन का सेंट्रल आइडिया कम से कम पता होगा तो क्वेश्चन जो भी पूछेंगे केमिस्ट्री में आप उसके अराउंड बातें कर सकेंगे, उसके अराउंड बातें कर सकेंगे। कम से कम इतना ही हम समझ जाएं कि अगर ये चैप्टर सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन आया तो हम कोशिश कर सकते हैं ना कि किस तरफ से ये पूछा गया होने के चांस हैं इसके, इसलिए कम से कम सेंट्रल आइडिया पता हो कि चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है। जब ये फील आ जा रहा है कि मुझे चैप्टर के बारे में पता है कि चैप्टर की फीलिंग क्या है, चैप्टर इस बारे में सेंट्रल आइडिया रखता है, तो समझ जाना कि आपके आपके कंट्रोल में है, बात है अंडर कंट्रोल, ठीक है। आगे बात करता हूँ, इसमें फिर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स आती है और आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन आता है, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ चैप्टर में या थर्ड फोर्थ यूनिट में यही वाले हैं। कोलराउस का लॉ यहाँ पर यूज होता है, वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और बाकी सारी बातें इसमें इलेक्ट्रो जो गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये जो आपके सेल्स हैं, और एक लेड वाला भी एक सेल है ना आपके पास, एक हाइड्रोजन सेल, अभी ये अचानक अचानक से याद आ रहा है, ये हाइड्रोजन सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड बिहाफ पर, सुन लिया आपने, हाइड्रोजन सेल देख लेना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो जो मैंने आपको कहा कोलराउस पर, उस पर भी देख लेना, ठीक है ना। अरे इनको एक बार इनको ओवरव्यू ले लेना पूरे चैप्टर का, एक एक करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एक बार उसका, और वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वाला फॉर्मूला जो है, मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूले का अभी पता नहीं क्या नाम था, वो फॉर्मूला जो है और नर्स्ट इक्वेशन भी शायद इसमें, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन अचानक से याद आया अभी, ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना इस पोर्शन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स वाले पोर्शन से मैं बात कर रहा हूँ। ये 4 चैप्टर्स आपके यहाँ से, 5th चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में से क्वेश्चन बहुत हैवी मार्कर क्वेश्चन तो नहीं आते वैसे, आई थिंक 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी 1 मार्कर और 2 मार्कर ऐसे करके आता है, कभी एक साथ 3 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है सरफेस केमिस्ट्री से, चैप्टर भी छोटा है, आराम से किया जा सकता है। इतना पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का, मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कब क्या क्या करना है, ये मैं आपको थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ, आपके चैप्टर्स के साथ फैमिलियर हो जाए, बुक खोले तो आप, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 19 मार्क्स का पेपर आता है इस 70 में से, आउट ऑफ 70, इससे पहले वाले में से जितनी मैंने बातें की थी 5 लेसन्स में से, इनमें से 23 मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है ना, आउट ऑफ 70। और यहाँ मैंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 19 मार्क्स का पेपर में आता है पेपर, ठीक है। इसके चैप्टर्स आपके कौन से, सबसे पहले वो एक्सट्रैक्शन वाला जो चैप्टर है, जहाँ पर एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्शन सिखाए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपके पास कैल्सिलेशन और आपके पास रोस्टिंग, ये मेथड आपके पास होते हैं, ठीक है ना, फर्नेसेस आपके पास जो होती हैं, वो वाला चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास ओर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जहाँ पर सल्फाइड ओर्स होते हैं तो इन्हें आप कैसे अलग करेंगे, ये वाला जो सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना इनका एक्सट्रैक्शन की आप अगर टेक्निक लिखो, ऐसा कभी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद कम से कम इसमें, अभी मैं बताता हूँ वैसे इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसमें एक्सट्रैक्शन के बारे में जानकारी होती है इस चैप्टर में। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आप आगे बढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक आपको पता है कि 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन 13 से लेकर 14 तक के ग्रुप हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, तो वो पेपर में नहीं पूछे जाते, पेपर में सिर्फ आते हैं 15 to 18 ग्रुप,
15 वही जो नाइट्रोजन फैमिली है और 18 वही जो इनर्ट गैस की फैमिली है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है, बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी की वैरायटीज भी बहुत सारी आ सकती है, क्योंकि इसी का लिंक आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अमीन्स में भी है। तो नाइट्रोजन वाली फैमिली से क्वेश्चन आने के चांस है। अब ये हो गया पी ब्लॉक का, मैं ज़्यादा डिस्कस अंदर नहीं जा रहा, बातें ज़्यादा एलैबोरेट हो जाएंगी। आपको करना है कितना उतना सुनना, अभी आप सुनते रहिए पेशेंस से, ठीक है ना, हमें समझना है बात को हो क्या रहा है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में से भी आपके उसमें पेपर में आएगा, ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके उसमें डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मैं भी बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में वापस कहनी है मैंने, लेकिन मैं एक बार आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मैं बताऊंगा बाद में क्या करना है। उसके बाद एक आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आपके पास है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स तक ये बात यहाँ तक जाती है। तो इसमें देखा जाए तो चार ही चैप्टर आपके पास मौजूद है, एक तो एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर है, एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और एक आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 19 मार्क्स का सिर्फ इन चार चैप्टर से आता है। अभी फाइनली बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 चैप्टर्स इसमें होते हैं और 28 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेजर पार्ट है, ये अगर आ जाए तो बेस्ट हो जाए। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ा है, ये सभी के लिए मैं अभी बातें कह रहा हूँ जनरली, ठीक है ना। जिन्होंने पढ़ा भी है वो भी रिवाइज करेंगे, मैं भी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा वो क्या आपको करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन से शुरू होता है। अब यहाँ पर बैठ कर अभी इन सारी बातों को कह देना कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो अभी थोड़ा जस्टिस नहीं होगा टॉपिक के साथ, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ बातें इसमें काम की हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पर, यानी ROH ROR वाली जो फैमिली है, इन पर ये लेसन आता है जो सेकंड लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे आज भी आता है, क्लास 12th में जब मैं से पढ़ता था तो बहुत लंबा मुझे चैप्टर लगता था। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है, इसमें आपके पास डिफरेंट तरीके से, फिर उनमें ये भी है कि डिफरेंशिएट कैसे कैसे, किस किस मेथड से आप इन्हें करते हो, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, कीटोन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स में सिमिलैरिटी भी हैं और कुछ उनमें डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है ना। बातें बहुत है करने के लिए, मैं भी बताता हूँ कैसे आपको करना। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक, अच्छा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास जो है ये अमीन्स, बेसिकली अमीन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो आपके पास है, अमीन्स के बारे में आपको देखना। अमीन्स एक क्वेश्चन ऐसे ही जो बड़ा वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन हमारा है, वो क्या है, उसका नाम है वो हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना। दो टेस्ट है ना, एक तो हिंसबर्ग है और दूसरा भी चेक कर लेना, ठीक है ना, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इसमें रेड कलर बदलते हैं जिसमें, ठीक है, तो वो देख लेना। टॉलन रिएजेंट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, ये मुझे अभी भी याद आ रही है बातें ना, टॉलन रिएजेंट और एक दूसरा रिएजेंट भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी ऐसे ही बात कर रहा था। चलो ठीक है, ये इतना हो गया, हमने अमीन तक भी देख लिया। इसके बाद के चैप्टर बड़े ही अच्छे चैप्टर हैं, स्कोरिंग चैप्टर हैं। इसमें आपके पास एक चैप्टर आता है पॉलीमर, एक बायोमोलिक्यूल्स, और एक आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, हाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये चैप्टर है। जो ये लास्ट के तीन चैप्टर्स हैं, इसका रोड मैप जो मैं बता रहा हूँ ना, इस सबको मैं हो सके तो कम्युनिटी टैब में भी टैग कर दूंगा, जो आपका कम्युनिटी टैब होगा ना इसमें, जो आपको पता होगा वहाँ पर मैं इस रोड मैप को डाल दूंगा, जितनी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ आप इसको बाद में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में भी पिक्चर इतनी जल्दी ना बन पाए इतनी सारी, तो इसके लिए मैं उसको बना दूंगा। ये सारी बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा उसमें कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर लिखी गई है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं वैसा कर दूँ, अभी ये प्लान मेरा बना, ठीक है। तो अब सुनिए आपको करना कैसे कैसे, ये इतना ही चैप्टर आपके पास होते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं और 28 मार्क्स का है। अब कोई सोचे कि मैं 7 सब कुछ छोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कर दूंगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़े क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो टाइम लेंगे तभी वो समझ में आएंगे आपको। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं या चाहते हैं कि मतलब एवरेज से कुछ अच्छा आए, ठीक है ना, इतना चाहते हैं, उनके लिए बोला, क्योंकि जो चाहते हैं कि उनके 70 out of 70 उन्हें तो सारा ही पढ़ना है, उनकी रिवीजन टेक्निक अभी लास्ट में बता दूंगा उनको कैसे पढ़ना है, पहले मैं उन्हें हम साथ में लेकर चल लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को मतलब कि जितना भी है उससे अच्छा कुछ परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लिया उन्हें किसी भी रीजन से मान लिया वो इतनी ही प्रॉब्लम में फंसे हैं कि पास ही होना है बाई चांस, तो पासिंग मार्क्स तो बड़ी आसानी से गैप किए जाएंगे यहाँ से। अगर हम केमिस्ट्री में से पासिंग मार्क्स निकाल पाए तो फिर तो बिल्कुल ये अजीब सी बात है फिर तो, ठीक है ना, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से, ठीक है।
सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए अपनी साइकोलॉजी को सेट करना। केमिस्ट्री सबसे इजी चैप्टर है और केमिस्ट्री सबसे फैक्चुअल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री फैक्ट पर बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, एक बात ठीक है, अभी बात करते हैं आपको कैसे कैसे पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से की जा सकते हैं। अगर मैं 10 डेज स्ट्रेटजी पर बात करता हूँ तो 5 डेज में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और अगले 5 दिन आपके रिविजन के हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे तो ठीक है ना, अगले 5 दिन आपके इसी चीज़ को दोबारा करना है, जो 5 दिन की स्ट्रेटजी होगी इसी 5 दिन की स्ट्रेटजी को दोबारा करना, ठीक है ना। इससे स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी उस चीज़ को जो जो आपने करी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 10 डेज के अंडर हम अगर बात करें, ऑलमोस्ट अगर मान लें कि 10 डेज का टाइम आपके पास है, तो 5 दिन में आप ये काम सारा निपटा सकते हो, इसमें से बहुत सारा काम, और इसी 5 दिन को फिर दोबारा एज इट इज इसको आपने रिपीट करना है, और उस समय आपको पहले से ज़्यादा अच्छा आता ही होगा, तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर्स स्टूडेंट सबसे पहले करे जाने चाहिए, जो चैप्टर्स, देखिए मेरी बात सुनिएगा, हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक के या फिर आपकी बुक के ही, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है, इसकी जो लास्ट चैप्टर है ना, इसमें पॉलीमर एक चैप्टर आता है। जैसे मेरा, मैं अपनी बात करूं तो जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तो कुछ ऐसे बीच बीच में जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं ना, इन यूनिट टेस्ट में एक बार हमारे उसमें यही आया था पॉलीमर, तो मैंने इसे मतलब एक ही रात में, एक ही नाइट में मैंने इसे ख़त्म किया हुआ चैप्टर। तो मुझे पता है कि चैप्टर कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना, मैंने इसे किया था आराम से। जो यूनिट टेस्ट होते हैं जो 20-20 मार्क्स वाले, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे 20 out of 20 थे उसमें पॉलीमर्स वाले में, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर सिर्फ पॉलीमर्स पे ही था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ एक रात में होता है, हो जाता है, वो उस समय की बात कर रहा हूँ जो यूनिट टेस्ट चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब मैंने देखा है तो हो सकता है एक रात में आराम से, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसा याद नहीं कि बहुत ज़्यादा 4-5 आवर्स ऐसा कुछ रहा होगा, बस इतना ही रहा होगा, थोड़ा बहुत सुबह उठकर रिवीजन कर लिया था, इतना ही था बस। तो पॉलीमर आसानी से किया जा सकता है एक दिन में, ये तो बहुत बेकार बात हो जाएगी, एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, एक दिन के भी हाफ डे में ही किया जा सकता है आराम से पॉलीमर को, और तरीके से पढ़कर, ठीक है। तो आपको ना कुछ काम करने, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है सारी बातों को, जरा सुनिएगा ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो। आपको क्या करना है, एक तो ना प्रीवियस ईयर निकाल लेना, मैं फिजिक्स में भी कह रहा हूँ, मैंने मैथ्स में भी कहा, केमिस्ट्री में तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने जरूर पढ़ा होना चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे, आप ये नहीं करना ना, आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, आपको बस आप नंबर खींचने हैं कैसे भी कर, क्योंकि टाइम आ चुका है ना, आपको उन्हें विदड्रॉ करना है जगह से, निकालना है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि अब आप नॉलेज एनहांस कर रहे हैं, उसका टाइम जा चुका है, अब आपको देखना है कि क्या रेलेवेंट है क्या रिडंडेंट है, आपको समझना है चीज़ों को। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको कम से कम, मैं कह रहा हूँ, 5 ईयर्स के पेपर अपने सामने जरूर रख लेना केमिस्ट्री के, उससे आपको बेसिक आइडिया भी होने लग जाएगा, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको मैथ्स या फिजिक्स में बता रखी है पेपर को करने की, वही करना कि पेपर को एकदम से देख के मत पलटा लेना, थोड़ा पेपर के साथ फैमिलियर होने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे ही आपके सामने बोर्ड का पेपर भी आएगा, जितना स्ट्रेंजर आपके लिए अभी जो आप पेपर देखेंगे कोई भी पिछली बार वाला उठाकर, उतना ही स्ट्रेंजर पेपर आपके लिए आने वाला पेपर भी होने वाला है बोर्ड का। तो उसे एज अ बोर्ड पेपर उठाकर देखना कि अगर आपके सामने ही ये पेपर आ जाए तो आपने पहला पेपर देखा, थोड़ा टाइम देना, 20-25 मिनट का टाइम देना, स्ट्रेटेजी में टाइम लगना चाहिए ना, टाइम स्ट्रेटेजी में लगना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन लेस होकर इधर उधर घूमने में लगे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में आप थोड़े थोड़े पंच करें ना, तो अब उससे फ़ायदा मिलेगा अगर एक ही डायरेक्शन में वो होते रहे। तो इसलिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर अपने सामने जरूर रख देना। प्रीवियस ईयर का पेपर आपने 5 साल के जो लास्ट 5 ईयर्स पेपर होंगे वो आपने प्रीवियस ईयर रखना केमिस्ट्री के। अब जो मैं कह रहा हूँ वो करते हुए चलना। और सबसे बेस्ट बात, पढ़ना कैसे है, इस चीज़ों को पढ़ना कहाँ कहाँ से है, क्या आपके पास कोई रिफ्रेशर टाइप की है आपके पास, क्या कोई अगर ऐसी रिफ्रेशर का मतलब सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या आपके पास NCERT के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है ना। अब वो मोबाइल से ऐसा नहीं, PDF से नहीं चलेगा काम, कोई बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना, मुझे लगता है होगी आपके पास। कोई भी रिफ्रेशर अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें NCERT के सॉल्यूशंस का एक सेक्शन होता है, उससे पहले उसमें कंपटीशन के लिए एक सेक्शन बना होता है, आपको समझाने के लिए एक सेक्शन बना होता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है जहां पर सिर्फ NCERT के सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। आपको जो भी चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप डिटेल में नहीं पढ़ना कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से सन में ये हुआ था, कब क्या हुआ था, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT सॉल्यूशंस देखने हैं। और NCERT में क्वेश्चंस की डिजाइनिंग रैंडम नहीं होती, क्वेश्चन ऐसे नहीं बना होता कि एक शुरुआत से बन जाता है एक लास्ट से बन जाता है। क्वेश्चन अगर आप सीरीज से चलते हुए जा रहे हैं वन बाय वन, तो पहला क्वेश्चन आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप देगा, दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर ले जाएगा, तीसरा क्वेश्चन अंदर ले जाएगा, मतलब कि आपके टॉपिक्स ना क्वेश्चन वाइज अपने आप कवर होंगे। और मजे की बात तो यह है कि होता यह है कि क्वेश्चन हमेशा NCERT से ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। अब हम लोग या स्कूल में पढ़ते हैं या कभी मैं पढ़ाता हूँ या आप लोग पढ़ते हैं जैसे,
तो हम कैसे पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का स्टाइल 10th के बाद चेंज हो चुका होता है। हमारा पढ़ने का स्टाइल रहता है कि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, भले ही 10th से पहले की क्लासेस में या 10th तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन उसके आंसर, क्वेश्चन उसके आंसर। लेकिन 11th से 12th में इस बीच में हमने क्या देखा कि हम पढ़ाई ऐसे करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करते हैं, और हम ये मानते हैं कि कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन हमें अब यहाँ पर अपनी सिचुएशन को रिवर्स करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हमेशा क्वेश्चन ही बनाएंगे, और वो क्वेश्चन कहाँ से छांट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे वो आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी सेक्शन से ही सिलेक्शन उनका चलेगा, वो आप कोई नई डिज़ाइन ही नहीं करते क्वेश्चन की। और सबसे बेस्ट बात आपको एक बात बताऊँ, आप 12th का बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटिशन का पेपर नहीं दे रहे। इसमें फ़र्क किया है कि कॉम्पिटिशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनका पूरा मकसद होता है कि एलिमिनेशन, उनका जो सेंट्रल आइडिया होता है वो होता है एलिमिनेशन। कंपटीशन वाले जो पेपर होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को बाहर निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर करें, सेलेक्टर मिले उन्हें, क्रीम मिले उन्हें ऊपर की, तो इसलिए वो क्या करते हैं एलिमिनेशन पर उनका फोकस रहता है, इसलिए वो टफ से टफ क्वेश्चन डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट हो। और बोर्ड का ये सेंट्रल आइडिया नहीं है, बोर्ड का सेंट्रल आइडिया है कि इन्हें क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाओ, नए बोर्ड वाले आएंगे इन्हें क्रॉस करवाओ, नए आएंगे पीछे से इन्हें क्रॉस करवाओ। ये किसका रहता है, ये 12th का, यानी कि वो पेपर को इस तरह से नहीं बनाएंगे कि आपको ही अटका के रखना है उन्होंने 12th में, नहीं, ठीक है ना, वो पेपर इस तरह से बनाएंगे कि एक ईजी बच्चा 33% में भी पास होकर निकल ले यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह का पेपर बनेगा बोर्ड का। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है ना, कि वो पूरी कोशिश चल रही है कि आप बाहर जाएं यहाँ से, आप आराम से अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाए, ठीक है ना। ये बात तो मैं जो बोला था आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से देखना है, सारे के सारे लेसन, जितने भी लेसन है ये सबसे बेस्ट है। आप अगर ये सोचकर भी ये वीडियो देखने आए थे ना कि आपको पास होना है, अगर आप ये सोचकर भी वीडियो देख रहे थे तो मैं कहता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, पास होने वाली आप मेरी बातों पे अगर भरोसा करो तो 70 out of 70 आ सकते, और सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखो। देखो अगर आप देखते हो कितनी मोटी रिफ्रेशर अगर आप देख रहे हो, तब तो कभी भी नहीं सोच सकते हम सपने में भी कि हम 70 out of 70 ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी मोटी रिफ्रेशर इतनी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं, हर चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखो। और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट पुट जरूर करना, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब जैसे ना कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मान लिया क्वेश्चन पढ़ते समय, टॉपिक अलग से मत समझना, क्वेश्चन करते करते आपको दिखा कि भाई ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से समझ नहीं आ पा रहा, आराम से जाओ उसके चैप्टर में और टॉपिक उठाओ, टॉपिक पढ़ लो उस समय के लिए वाला। तो ये हर बार नहीं होगा, हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन समझते हुए चलना है, एनसीईआरटी का याद नहीं करना उन्हें, उनकी डिजाइनिंग इस तरह से है कि वो आपको हर लेवल पे ले जाके चैप्टर को खत्म करवा के रख देंगे अगर वो आप उसे फॉलो करते हो उनकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। और हो सके तो एक बेस्ट मोड है कि एक बार तो सबसे पहले तो ये काम करना जो मैंने कहा, बहुत आसानी से हो जाएगा एनसीईआरटी की सिर्फ एक्सरसाइजेस करना, और दूसरा अगर आप चाहते हो कि और भी मुझे अच्छा चाहिए, कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब तो मुझे 70 मार्क्स लाने ही है, तो स्टूडेंट एक छोटा सा काम करना जो उसकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होती है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं जो एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, वो रेड या ब्लू जिससे भी लिखे रहते हैं, शायद केमिस्ट्री में रेड से लिखे रहते हैं, वो जो पिंक कलर से आपके लिखे रहते हैं ना, वो वाले एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया पेपर देखकर कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को तो ढंग से आपने पूरा एनालिसिस करना है उस टॉपिक का, जो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहा है पर, तो आपको क्या करना है उस टॉपिक का एक्सरसाइज तो आपको कंप्लीटली करनी है, आप सेलेक्ट नहीं करना यहाँ पर, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको देखना है कि जहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एनसीईआरटी में वहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या बना, वो एग्जाम्पल काफ़ी चांस है उसके एग्जाम्पल आने के, ठीक है ना, यही यहाँ पर होता है। तो अब मैं फाइनली लास्ट बात को अपनी कंक्लूड करते हुए कहता हूँ आपको क्या क्या करना है। कुछ चैप्टर्स जो सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स जैसे कि आपके पास एक केमिकल ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, और आपके पास बायोमोलिक्यूल्स, ये तीन चैप्टर्स बिल्कुल लिख लेना नहीं कहीं पर, और मैं कोशिश करूँगा इसका एक रोड मैप आपके तैयार करके लास्ट में कम्युनिटी टैब में देख लेना, या फिर हो सकता है मैं इसके नीचे लिंक दे दूँ उसका, ठीक है ना, देख लेना आप जहाँ भी होगा, ठीक है। तो आपको ये तीन चैप्टर सबसे पहले पकड़ने, क्योंकि छोटे आसान चैप्टर्स हैं, और इसके पूरे शुरुआत में सी पीएचडी मत करने बैठ जाना आप, ठीक है ना, आपको क्या करना है सीधे इनके उठाने हैं एक्सरसाइजेस, जहाँ पर एक्सरसाइज में इन पर क्वेश्चन बना हुआ है, मेरी बात मानोगे तो बहुत प्रॉफिट होगा इस बात का। तो मैंने क्या कहा केमिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन तीन को एक जगह लिख लिया आपने, अलग कर दो ने, इसी के साथ लिखते रहना, इसी के साथ ये तीन के साथ लिखना एक सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, और एक लिखना है एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर जो आई थिंक 6th चैप्टर है, या फिर हाँ 6th चैप्टर आपका होगा, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन वाला जिसमें वो आपके ओड्स हैं वो सारी बातें, इन छह को अलग कर दूँ
कितने वही है आपके, तीन वो थे आई थिंक, फाइव हुए, ये फाइव को अलग कर दो, ये फाइव अलग कर दो, ये बिल्कुल आपके पास पीस ऑफ केक है, ये जो मैंने यहाँ पर बताया ये वाला, ये पांच चैप्टर्स, इसमें बायो मॉलिक्यूल्स आ गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया, पॉलीमर्स आ गया, सरफेस केमिस्ट्री आ गया, एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर आ गया, इन पांच को अलग कर दो, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ इनको कैसे करना, इनको साइड में रखना, मैं ग्रुप बना रहा हूँ आपको इसके हिसाब से पढ़ना। यहाँ से उठा लो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये चार चैप्टर बस खत्म, ये चार चैप्टर यहाँ से उठा लो, इनके साथ क्या सरफेस केमिस्ट्री वहाँ भाग चुका है। ये चार चैप्टर यहाँ आपने जो रखे हैं यहाँ पर, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उसमें मिक्सअप है, उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक के थोड़ा वो है, ठीक है, इतने चैप्टर। अब एक बात करते हैं, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं इन्हें करना स्टार्ट कर देना इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही, आराम से थोड़ा पेशेंस रखते हुए काम करना, ठीक है ना, जल्दीबाजी मत करना, टाइम तो बहुत है अभी, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे आप, देखना टाइम कभी भी फैक्टर नहीं बन सकता आपके लिए, आप ये नहीं सोचना कि टाइम कम है, टाइम कम नहीं होगा, बस आपकी मेहनत कम हो सकती है या आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इतना टाइम अगर आपने दिया है और मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ अगर, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है जिसमें ये सॉलिड स्टेट बड़ी आसानी से हो सकता है, और जब जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना तो पूरी बुक को साइड में रखो उस समय, और चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट का आपने एक पेज पढ़ना स्टार्ट किया तब तक आपको याद आ गई अरे वहाँ से वो छूटा है, मत करो चिंता औरों की, ठीक है ना। मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी बात मैं भूल ना जाऊँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने सोचा था कि डी एंड एफ ब्लॉक को मैं इसको ना डिले करता गया, मैंने सोचा अभी पढ़ लूँगा डी एंड एफ ब्लॉक, आखिरी दिन में पढ़ना पड़ा मुझे इसे, आखिरी दिन में कब, कल पेपर है, आज रात को पढ़ना पड़ा डी एंड एफ ब्लॉक को तरीके से, ठीक है, ऐसे ही इसे छोड़ता गया, तो ऐसी गलती मत करना जिस पे अब जो मैं बता रहा हूँ आप तो इसको फॉलो करो फिलहाल, अभी वीडियो जब भी आप देख रहे हो उसके बाद से सबसे पहला काम ये करना स्टार्ट करना कि यहाँ से आपका जो बिल्कुल गोल होना चाहिए वो सॉलिड स्टेट, ज़्यादा टाइम में देना, बुक निकाल कर बैठे ही मत रहना, बुक निकालना, इफेक्टिवली पढ़ना, बुक को साइड में कर देना, फटाफट पढ़ना, फटाफट पेपर देखना, फटाफट, ठीक है ना, काम बहुत कम टाइम बचा हुआ, तो आपको सॉलिड स्टेट बहुत जल्दी हो जाने वाला चैप्टर है, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि इसमें मतलब एटमोस्ट मैं बात कर रहा हूँ, एटमोस्ट आप इसमें 3 आवर्स देना, ज़्यादा से ज़्यादा, जो बिल्कुल स्लो लर्नर्स भी हैं 3 घंटे से ज़्यादा ही चैप्टर जाएगा ही नहीं, बाकी तो आधे घंटे के लायक चैप्टर कुछ नहीं है, आधे घंटे से ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं होता, किसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट देखना, उसके बाद आपका आएगा ये क्या नाम है इसका सॉल्यूशन, आपको तरीके से मैं बताता हूँ सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन एक दिन में आराम से हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन आराम से इन्हें कर लेना, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन को कर लेना, अब इसमें जितने न्यूमेरिकल पॉसिबली हो पा रहे हैं वो कर लेना, और करना कहाँ से, एक्सरसाइज से, बहुत इजी है, बहुत इजी, कितने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 30-40-50 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे किसी एक्सरसाइज में करूँगे तो, 30-40 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आपको देखना है और आपको आंसर समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही आ जाएगा समझ में, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसी बुक प्रीफर करो इसमें सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, और कोई ऑथेंटिक बुक हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ऐसा करना सॉल्यूशन और इसको सॉलिड स्टेट, अभी जैसे ही वीडियो देख रहे हो आज ही खत्म करो, आज ही खत्म करना है इसे हर हालत में। अभी दूसरा पोर्शन है आपका केमिकल काइनेटिक्स और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत आसान चैप्टर्स है, फिर से इनकी एक्सरसाइज उठाना, इसको आपने नेक्स्ट डे के लिए रखना है, नेक्स्ट डे के लिए रखना है, मैं 10 डेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे में आपका क्या क्या हो जाएगा, जो आपका 0 डे या फर्स्ट डे आप इसे कह सकते हैं, इसमें सॉलिड स्टेट और आपने सॉल्यूशंस को करना है इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और यहां से सरफेस केमिस्ट्री को पकड़ना है और एक्सट्रैक्शन नाम के 2 चैप्टर्स को पकड़ना है। अब खैर क्योंकि आप इस बीच में फिजिक्स और भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो 2 मत पकड़ो, एक ही पकड़ना, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स भी तो पढ़ने हैं आपको, तो सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री को ले आओ, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है सरफेस केमिस्ट्री, इजी चैप्टर, ये ना इजी चैप्टर्स की सीरीज है ये जो मैंने अलग करी थी यहाँ पर, इसमें से एक एक चैप्टर आपको हमेशा उठाना है। तो आपके पास यहाँ से क्या क्या आ गया, आपने एक दिन में जो अभी का आपका दिन चल रहा है, ये फुल डे की बात कर रहा हूँ, फुल डे की, अगर आप आधे मिड डे में आज देख रहे हैं तो फिर आप समझ लेना कि आपका 0 डे चल रहा है। तो आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री, इन तीनों को साइड में रखकर इन तीनों को एक दिन में कोशिश करो करो, और ध्यान रखें मैं पूरे चैप्टर को पढ़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने की बात कह रहा हूँ, और वो बहुत आसानी से एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस बहुत आसानी से की जा सकती है। तो इन्हें एज अ 3 चैप्टर्स मत देखना, ये 3 चैप्टर्स के लायक है ही नहीं, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो जाएंगे, तभी मैं कह रहा हूँ सीखना अलग बात है, पेपर देना अलग बात होती है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये जो नेक्स्ट डे में, जो नेक्स्ट डे आपका आने वाला है, इसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और यहाँ से एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर उठा लेना, इजी चैप्टर अगेन, एक्सट्रैक्शन वाला उठा लेना, इन तीनों को देख लेना, सिर्फ करना क्या, करना अगेन सिर्फ वही है आपको एक्सरसाइजेस करनी है, और बगल में पैरेलली पेपर भी रखे रखना, एक तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पेपर देख लेना होल पेपर को कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आए थे, और एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाए तो भी पेपर को उठाकर देखना कि क्या आपको समझ में आए, अब डेफिनेटली आपको आए।
सिक्स चैप्टर्स आपने 2 दिन में करे हैं। और ये हो सकता है, मैं प्रैक्टिकली मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हो सकता है। अगर लग रहा है कि हो सकता है तो करना जरूर है फिर, अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता तो अभी बंद कर दो इस वीडियो को, फिर आगे फ़ायदा क्या देखने का, ठीक है ना। लग रहा है हो सकता है तो फिर स्टूडेंट बिल्कुल इसके बाद वीडियो बंद होते ही तुरंत लग जाना, ठीक है ना। इसके बाद आपके जो चैप्टर्स यहाँ से बचे हैं ये, इसके बाद ना अगले दिन जो अगले का जो तीसरा दिन जो आपका होगा उसमें आपको, और इनको रिवाइज जरूर करते रहना, जो पहले दिन में किया वो दूसरे दिन रिवाइज जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई टाइम इसके लिए जरूर निकालना, क्योंकि पढ़ तो लोगे आप, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन रिविजन अगर आप भूल गए ना गलती से, सारा पूरे डिप्रेशन में चल जाओगे, क्योंकि ना पढ़कर पेपर दे दो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अगर आपने पढ़ा सारा हो और पेपर के एक दिन पहले पता चले कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, इसलिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना।